बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मिक्स सब्ज़ी का अचार बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने मिक्स सब्ज़ी ली है, आप अपनी पसंद से जो दिल चाहे सब्ज़ी ले सकते हैं। मैंने फूल गोभी, गाजर, मटर, फ्रेश बीन्स, हरी मिर्चें ली हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाला है काट के। एक टीस्पून हल्दी पाउडर चाहिए, 1 से 2 टेबल स्पून हमें नमक चाहिए, नमक आप अपने हिसाब से डालें। 1 टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ चाहिए, 1 टीस्पून मेथी दाना भून कर पीस कर, 1 से 2 टेबल स्पून राई भून कर हमने पीस लिया इसको। ये चिल्ली पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून मैंने चिल्ली पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी मिर्च लिए। ये लहसुन चाहिए हमें, 3 लेमन का जूस, 2 से 3 टेबल स्पून सिरका। और भगार के लिए हमें तेल चाहिए, लहसुन, राई और कड़ी पत्ता। मिर्च डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालें। मैं 3 टेबल स्पून एक कश्मीरी मिर्च टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, मेथी दाना, सौंफ, नमक। लहसुन है काट के डाल दिए, ये राई, दो टेबल स्पून एक से 2 से 3 टेबल स्पून सिरका, तीन लेमन का जूस, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के, 1 से 2 टेबल स्पून बिस्मिल्ला। आप अपनी पसंद की सब्जियां लें, इसमें जो दिल चाहे। ये मैंने मिक्स कर दिए सब मसाले अच्छी तरह। अब मैं इस पे भगाड़ लगाऊंगी राई दाना, लहसुन और कड़ी पत्ते का। इसको 5 से 6 दिन हम धूप में रखेंगे, फिर हमारा मज़ेदार वेजिटेबल अचार तैयार हो जाएगा। मैं भगाड़ लगाऊंगी, राई, लहसुन, ये मैंने भगार के लिए तेल और राई डाल दिए इसके अंदर। इसको जब लाल होने लगेगा लहसुन, तो मैं कड़ी पत्ता डालूंगी, फिर भगार लगाऊंगी इसका। ये हमारा तैयार हो गया भगार, मैं भगार लगाऊंगी इस पे। ये हमारा भगार तैयार है। इसको हम दोबारा मिक्स करेंगे। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने बढ़नी ली है, इसको सफाई से धो के अच्छी तरह सुखा लिया, इतना सा पानी ना रहे वरना हमारा अचार ख़राब हो जाएगा।
इसको तकरीबन 4 से 5 दिन धूप में रखना है हमने, फिर हमारा मज़ेदार अचार तैयार है। अब मैं बढ़नी में डालूंगी इसको, अब मैं इसमें बढ़नी में डालूंगी इसको। आप इसमें सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने मेरे घर में जो इस्तेमाल होता है वही तेल मैंने इस्तेमाल किया है इसमें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई करें। स्पैचुला से साफ कर दूंगी, सारा मसाला इसमें आ जाए। ये हमारा तैयार है मिक्स वेजिटेबल अचार, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसा बना आपका। ज़रूर ट्राई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर।